बात इम्पोर्टेंट है उसमें पीरियोडिक फंक्शन की, जो पीरियोडिक फंक्शन के साइन अक्ष का पीरियड क्या होता, तो हम बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर उसका पीरियड पीरियड क्या है, टी है, उसका पीरियड क्या है, टी है, तो अगर उस फंक्शन को कुछ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसको कोई के अक्ष कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका पीरियड में क्या चेंज होगा, उसके पीरियड में चेंज होगा वो टी बाई के हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि उसके फंक्शन में क्या चेंज होगा। हाँ जी, तो आप इतना देख सकते हैं। तो सर साइन एक्स का पीरियड क्या था, साइन एक्स का पीरियड था, साइन एक्स का पीरियड था पाई, एन टू एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का पीरियड हो जाएगा हमारा टू पाई बाई के की जगह आपका टू है, तो ये हो जाएगा पाई। यहां तक ही हमारी बातें हुई है, अब छोटी छोटी बातें और करते हैं। तो सर उसके रेंज की बात करें तो साइन की रेंज होती थी, ये सारी बातें पिछली क्लास की हैं, वन से माइनस वन या माइनस वन से वन बोल सकते हैं। सुनिएगा बात को ध्यान से, कोस एक्स साइन टू एक्स की बात है तो टू एक्स की रेंज भी हो जाएगी, वही रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बाहर कोई चेंज नहीं होगा। सर बाहर का क्या मतलब हुआ, रेंज हम अक्ष के सिमिलर देखते थे, सॉरी अक्ष के सिमिलर देखते थे, जहाँ वाई बराबर वन पे आती थी, वही सेम टू सेम साइन टू अक्ष की भी रेंज आ रही है, तो बाहर कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ लो, अंदर कुछ चेंज होगा तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसकी बेसिक बातें हम करते हैं तो क्या है, तो थोड़े से यहाँ लिख देता हूँ कि बाहर कोई चेंज नहीं होगा, अंदर ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, ग्राफ में अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बाहर थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा ग्राफ। कंप्रेस्ड का मतलब सर जहां ग्राफ अपनी वैल्यू टू पे रिपीट कर रहा था, जहां ग्राफ अपने पाई पे रिपीट कर रहा था, वो कहां रिपीट करेगा, पाई पे, वो कहां रिपीट करेगा आपके पाई पे। हाँ जी, तो बस इतना देखना है कि जो ग्राफ जिस ग्राफ का इस पीरियड टू पाई होता है, उस ग्राफ है पाई। हाँ जी सर, ग्राफ भी बता दीजिएगा कैसे ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ की भी हम बात करते हैं तो ग्राफ देखिएगा, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये आपका x बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया है, ये आपका y बराबर माइनस 1 हो गया है, ये y बराबर 1 हो गया है, ये y बराबर माइनस 1 हो गया है। पहले मैं बात करता हूँ आपके साइन एक्स की, पहले बात करता हूँ साइन एक्स की। तो साइन एक्स क्या होता था, हाँ जी इधर भी
ठीक है, ये आपका यहाँ जीरो, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ माइनस पाई, यहाँ -2 पाई और यहाँ आपका 3 पाई। हाँ जी, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वाइट वाला, साइन एक्स का। अब हम बात करते हैं sin 2x की। इसका पीरियड देखिए, इस पीरियड 2 पाई है। 2 पाई बाद अपनी वैल्यू को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 2 पाई है। बात करते हैं हम sin 2x के। sin 2x की अगर बात करेंगे तो वो बात क्या होगी? ये अपनी वैल्यू पे रिफिट करेगा, पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या क्या करेगा? रिफिट करेगा। तो ये पाई के बाद किस तरीके से रिफिट करेगा, ध्यान से देखिएगा। इसकी रेंज कोई चेंज नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से देखो, ये पाई पे अपनी वैल्यू रिफिट कर रहा है। जो रेड वाला ग्राफ है, sin 2x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? sin 2x का ग्राफ है। हाँ जी, इसमें रेंज कोई चेंज नहीं हुई है, रेंज में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अलग कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब अंदर कुछ हम चेंज करते हैं तो उसके रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं कि ये कंप्रेस्ड होता है तो कितना कंप्रेस्ड होता है, तो इसकी अगर हम बात करना चाहें तो किस तरीके से हम बात करें, जस्ट अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी। हाँ कि सर, ये कंप्रेस्ड होता है तो कितना होता है? तो ध्यान से देखिएगा कि यहां बता रहा हूं, इट इज हाफ, कंप्रेस्ड ग्राफ, ये हाफ कंप्रेस्ड हुआ है। तो सर, अगर sin 3x का हो तो, अगर sin 3x का हो तो पहले आप इतना देख लीजिएगा कि साइन अक्स का जो पीरियड टाइम है वो क्या होगा, 2π/3, 2π/3। तो बस 2π/3 पे ये चेंज करेगा अपने आप को, सॉरी, ये 2π/3 पे क्या करेगा, अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। 2π/3 पे अपनी वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे ये पाई पे रिपीट कर रहा है, ये पाई पे रिपीट कर रहा है। सारी छोटी छोटी बातें हो गई है sin 2x की। और बात हम करते हैं तो और बातों में मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर 2π पे साइन चेंज होता है तो sin 2x कहाँ होगा, पाई पे। अगर ये पाई पे चेंज होता है साइन, तो ये क्या होगा, पाई बाई टू। ये बेसिक बेसिक बातें हमने थोड़ी स्पीड में ली है। माइनस वाली भी यही बातें हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से ही आप देख सकते हो इसको। ये सारी चीजें आधे से होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है भाई, इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। इसके बाद sin 2x के कुछ और चेंज फंक्शन में चेंज देखते हैं कि भाई ये 2x या फिर x/2 आ जाए या x/3 आ जाए। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन में चेंजमेंट आ जाए तो उसको किस तरीके से हम, उसका रेंज किस तरीके से देखा जाता है। ये फंक्शन की रेंज हो गई है आपकी।